हाय फ्रेंड, टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोया चाप की रेसिपी। चलिए देख लेते हैं अपनी ये रेसिपी। यहाँ पे हमने ले लिया है, ये 500 ग्राम है सोया चाप, और इसे हम उबालेंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट बॉईल करेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडे पानी से धो लेंगे, एक बार वॉश करेंगे। अब इसकी हम स्टिक निकाल लेते हैं। ये स्टिक बड़े आसानी से निकल जाती है, बस एक बार आप इसे पुश कीजिए और ये निकल जाते हैं। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। मैंने इसकी मीडियम साइज की पीसेस कट की है। यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका, इसमें हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें लाइट ब्राउन फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए फ्राई हो चुका, बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे हम डालेंगे एक बाउल में, और बाउल में डालेंगे एक टुकड़ा बटर, और 2 चम्मच डालेंगे इसमें हम फ्रेश मलाई। मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच डाल देंगे हम चाट मसाला। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमने मिक्स कर लिया, इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ अब हम कढ़ाई रख लिए, कढ़ाई में डाल देते हैं। 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम साबुत मसाले डाल रहे हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग और तेज़पत्ता, साबुत धनिया। इन सारे मसाले को थोड़ी देर भून लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम चॉप की हुई प्याज। हमारी भून चुकी है, ये 2 बड़े साइज के प्याज डाल देंगे। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसे भी भूनते हैं 2 मिनट हम। अब इसमें हम डाल देंगे बड़े साइज के टमाटर चॉप किए हुए, इसे भी हम भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पिसे हुए मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो देखिए मसाले हमारे भून गए। इसमें हमने डाल दिया है काजू का पेस्ट, बस 8-10 काजू को हमने पीस लिया था, बस वही डाल देते हैं। अब डालेंगे हम इसमें पानी, इसे मिक्स करते हैं। नमक टेस्ट अनुसार। अब इसमें हम डाल देंगे अपने चाप, ऐसे हम 2 मिनट ढक के पका लेंगे। देखिए पक चुका है। ऊपर से डाल देंगे हम गरम मसाला 1 चम्मच। अब हम इस पे कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे और हमारा चाप बनकर रेडी है। अब इसे हम
सर्व करते हैं। इस तरीके से आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।